तो हेलो दोस्तों आप अगर प्ले स्टोर में कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हैं और इंस्टॉल करते समय आपको पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है मतलब आपको एरर दिखा रहा है पेंडिंग और ये पेंडिंग होता रहता है और डाउनलोडिंग शुरू नहीं होता है तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं तो इसको ठीक करने का मैं दो तरीका आपको बताऊँगा तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में सेटिंग्स में जाएंगे सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ढूँढना है जहाँ पे आपका सब ऐप रहता है जो एम आई फ़ोन चलाते हैं वो नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पे आपको ऐप्स मिल जाएगा और दो नंबर पे यहाँ पे देखें मैनेज ऐप्स लिखा रहेगा यहाँ पे जाने से आपको पूरा जितना भी आपके मोबाइल में ऐप्स है सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सेटिंग्स के सबसे ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको सर्च करना है ऐप्स लिख के सर्च करने के बाद आपको ऐप्स मिल जाएगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मैनेज ऐप्स आ जाएगा यहाँ पे आपको दो काम करना है यहाँ पे सबसे पहले आपको ढूंढना है गूगल प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेटा क्लियर करना है अगर आपको यहाँ पे शॉर्टकट मिल रहा है क्लियर डेटा का तो यहाँ पर आप कर सकते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर स्टोरेज में क्लिक करेंगे और नीचे देखिए क्लियर डेटा लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लियर ऑल डेटा में क्लिक करेंगे यहाँ पे पॉपअप आएगा यहाँ पे आपको ओके करना है उसके बाद बैक जाना है नेक्स्ट आपको ढूंढना है गूगल प्ले सर्विसेस अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे साइड में आपको थ्री डॉट दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे सबसे ऊपर हैं शो ऑल ऐप्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी सिस्टम ऐप हैं वो सब यहाँ पे दिखा देंगे फिर आपको यहाँ पे गूगल प्ले सर्विसेस मिल जाएंगे देखिए ये गूगल प्ले सर्विस है यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर नीचे क्लियर डेटा का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर से आप स्टोरेज में जाएंगे और डेटा ऑल क्लियर करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा मैनेज स्पेस और क्लियर कैच फाइल तो आपको मैनेज स्पेस में जाना है और सबसे नीचे देख पा रहे हैं क्लियर ऑल डेटा है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा वहाँ पर आप ओके okay करेंगे तो पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप अपने प्ले स्टोर को फिर से खोलेंगे और जो ऐप आप इंस्टॉल कर रहे थे या फिर गेम आप इंस्टॉल कर रहे थे वो दोबारा आप ट्राई करेंगे तो दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया होगा तो ज़रूर वीडियो में एक लाइक कर दीजिए अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ अगर आप अपने फ्रेंड का हॉटस्पॉट लेके वाईफाई लिए हैं या फिर आप कोई ऐसा वाईफाई चलाते हैं जिसमें लिमिटेड कनेक्टिविटी हो जो लिमिट क्या हुआ हो उसमें क्या होता है जो लार्ज एप्स है वो डाउनलोड नहीं होते हैं तो उसके लिए आपको जो ऐप आप डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे और जब इंस्टॉल करेंगे तो दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा वहाँ पे लिखा रहेगा मोबाइल डेटा और वाईफाई तो आपको मोबाइल डाटा क्लिक करके ओके में प्रेस करना है तो आपका डाउनलोड चालू हो जाएगा तो दोस्तों इतना तक ही था वीडियो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में